Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala ashrah al-anbiya'i wal mursaleen. Ila yawmi d-deen. Amma ba'd. Fa'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahdu ghadatan min lisani yafqahu qawli. Waj'al li wadiran min ahli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fi d-deen. लबैक का नाम सुनते ही हम सब क्या सोचने लगते हैं, हम सब के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं और हम सब को हज और हज के अय्याम याद आ जाते हैं। रमजानुल मुबारक के बाद हम जानते हैं कि हज का महीना नहायत ही अहमियत का हामिल है और इसका जो पहला अशरा है वो नेकी और अजर सवाब के हवाले से आम दिनों से बहुत ज़्यादा अहम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन दिनों की कसम खाई है, वल हज्र वल लैयाल अशर, और इन दिनों में किए जाने वाले अमाल अल्लाह ताला को दीगर दिनों में किए जाने वाले अमाल से ज्यादा महबूब है। तो जो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को महबूब हो वो भी हमें भी महबूब होनी चाहिए। हम सब ने कोशिश करनी है कि इन दिनों के अंदर हम ढेरों ढेर नेकियां कमाएं और अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों में किए गए अमल से अफजल अमल कोई नहीं। इन दिनों में किया गया नेक अमल अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक अशरा ज़िलहज्जा के अय्याम के नेक अमाल बाकी दिनों की निस्बत बहुत ज्यादा पाकीज़ा है और बहुत ज्यादा सवाब का बाइस भी है। यानी ये दिन कौन से हैं? एक तो हमें पाक करने के लिए ये दिन आए हैं और दूसरा क्या कि अजर भी ज्यादा है। यानी हम जो भी नेकी करेंगे इन दिनों के अंदर, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, कुरान की तिलावत हो, नफली इबादत हो या फर्जी इबादत हो, या फिर या वालिदैन के साथ उसने सलूक हो या और रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक हो, कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भी हम नेकी करेंगे तो इसका हमें अजर ज़्यादा मिलेगा। इस अशरे में करने वाले कामों को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले तो हमने अशरा, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शुरू हो चुका है तो हमने तकबीरात की कसरत करनी है। उठते बैठते सोते जागते हमने तकबीरात की कसरत करनी है। तकबीरात पढ़ने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप अपनी रूटीन बना सकते हैं कि नमाज पढ़ने के बाद में इतनी बार तकबीरात पढ़ते हैं, खाना पकाते हुए कोई भी काम करते हुए आप तकबीरात पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहला जो हमने काम करना है वो हमने अपनी नमाज को बेहतरीन तरीके से पढ़ने कराना है। रमजान मुबारक में जैसे हम नमाज की बहुत पाबंदी कर रहे थे लेकिन अब हम थोड़े से सुस्त हो गए हैं तो अब हमने अव्वल वक्त में नमाज को पढ़ना है, खुशबू खुशबू के साथ नमाज को पढ़ना है और इसके अलावा नफली इबादत में भी तेज़ हो जाना है। चाश्त और अशराक के नवाफिल, तहियत वज़ू और तहज्जुद, कोशिश करेंगे कि इन दिनों में हम दो रकात तहज्जुद की ज़रूर अदा करें। उसके बाद जब हम रोज़े की तरफ देखते हैं तो ये जो पहले नौ रोज़े हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इसमें अल्फा के दिन का रोज़ा जो है वो तो फरमाया कि एक साल के पिछले और एक साल के अगले गुनाह को माफ कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बीच में रात का रोज़ा भी दिनों में रख सकते हैं, अगर हम चाहें तो पूरे रोज़े भी रख सकते हैं और जो हमारे पीरियड्स के रोज़े छूट जाते हैं वो भी हम स्टार्टिंग डेज में रख सकते हैं। और नौ ज़िलहज का रोज़ा जो है अल्फा का रोज़ा वो तो हम इंशाल्लाह जरूर रखेंगे क्योंकि वो मुस्लिम रोज़ा है, दो साल में हम कोशिश कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन दिनों में हमने तिलावत कुरान की कसरत कर ली है, कोशिश करें कि कम से कम एक कुरान इन दस दिनों के अंदर खत्म कर लें, हम शुरू कर लें और अगर हम खत्म ना भी कर पाए तो हमें ये काज जरूर अल्लाह का कि जिक्र अल्लाह का तमाम बहुत ज़्यादा उठते बैठते चलते फिरते हमने अल्लाह का जिक्र करना है और फिर सबका हरा डेली बेसिस के ऊपर कोशिश करेंगे कि सबका करें। इस बात की याद दहानी करा दी जाए कि जो भी हम नेकी का काम करेंगे उसका अजर हमें आम दिन से ज़्यादा मिलेगा। इसलिए इन बेहतरीन दिनों में हम बेहतरीन अमाल करें। और फिर जैसे कि ये कुर्बानी का मौसम बहार है तो हम सब जानवर तो कुर्बान कर देते हैं लेकिन अच्छा को, अनाथ को, तकबर को कुर्बान नहीं करते। कोशिश करेंगे कि इस बार जानवर की कुर्बानी के साथ साथ इन चीज़ों को भी कुर्बान करें और ऐसे करें। ونعمك لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
لك الحمد والنعمة لك الملك لا